सर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। विधानसभा में MLA साहब ने उठाया था मुद्दा, उसका अभी जवाब मिला नहीं है। तो अब विधानसभा 29 और 30 को लगेगी तो उसमें जवाब मिलेगा, हमें लगता है हमारे पक्ष में। हम राजस्थान के मिनिमम 5,000 लोग जो लगे हुए हैं राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में, केंद्र और राज्य की सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम जो कर रहे थे, फ्लैगशिप जो योजना है इनका, गरीब जनता तक जो लाभार्थी है इसको लाभ दिलाने का जो काम कर रहे थे, तो इस भजनलाल सरकार ने अब जैसे ही सत्ता में आते ही उन्होंने हमें एक 25 तारीख को आदेश दे करके हमें बर्खास्त कर दिया, हमें निरस्त कर दिया, इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम को हटा दिया। तो मैं इस भजनलाल सरकार और राज्य केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को कहना चाहता हूँ कि जो ये युवा जो युवा पीढ़ी के ऊपर आपने वोट लेकर जो सरकार सत्ता हासिल की है, आपने युवाओं के नाम पर रोजगार देंगे 5 लाख लेंगे 10 लाख रोजगार देंगे इस हिसाब जो सरकार बनाई, इसके बावजूद आप सीधा उल्टा सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रहे हो। तो आप खुद ये में विचार करो कि आप युवाओं को, इस देश का युवा पूरे विश्व में भारत का युवा आगे आ रहा है, भारत का युवा शक्ति ज़्यादा है और युवाओं को ही बेरोजगार कर रहे हो। आप फिर कह रहे हो कि हम आतंकवादियों को वो करेंगे, तो इसी युवाओं में से आतंकवादी पैदा होते हैं। जब बेरोजगार कर रहे होते हो कि युवाओं के पास में और कोई उपाय नहीं है, आतंकवाद और बढ़ेगा जब आप ऐसे युवाओं को बेरोजगार करोगे। मेरा यही कहना चाहता है कि हमें युवाओं को बहाल करो और इनको रोजगार दो। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो सरकार ने आदेश निकाला है, सरकार और आमजन के बीच में जो सेतु का कार्य कर रहे थे राजीव गांधी युवा मित्र, उस सेतु को एक 25/12/2023 के आदेश के अनुसार उन्होंने उनको उस सेतु को तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब मैं सरकार से यही, मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी बहाल करें और जो आम जन को राहत दिलाए, क्योंकि हम ये नहीं बोलते, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ के आम जन से पूछें कितना अच्छा काम किया है, कितने लोगों को लाभ दिलवाया है, कितने लोग दुआएं बोलते हैं। सरकार तक हमने हमारी बात विधानसभा के माध्यम से, हमारे जितने विधायक हमारे बीच आए उन्होंने हमारी बात को विधानसभा में रखा है। सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि सरकार को तो केवल मोदी जी की फिक्र है। वो राजस्थान में आते हैं, जयपुर में आते हैं, उनको इन 5,000 युवाओं, बेरोजगार युवाओं की कोई फिक्र नहीं है। उनको तो केवल अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, राजनीति करनी है और तमाम बेरोजगारों के बारे में कोई सुध नहीं लेनी है। बस यही चल रहा है देश में।